दोस्तों फिलहाल MES के अंदर वेरियस पोस्ट के ऊपर 41,822 वैकेंसी का एक नोटिफिकेशन बहुत ज्यादा सर्कुलेट हो रहा है, जिसके रिगार्डिंग YouTube के ऊपर भी काफी सारी टीचर्स लगातार वीडियो बना रही हैं, जहां पर उनका कहना है कि MES के अंदर MTS, ट्रेड्समैन, मेट, सुपरवाइजर, स्टोर कीपर और भी काफी सारी डिफरेंट पोस्ट के ऊपर 41,822 वैकेंसी नेक्स्ट वीक ही आने वाली है। बहुत सारे लोग आपको इन पोस्ट के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्जाम पैटर्न के बारे में बता रहे हैं, जिससे कंफ्यूजन और ज्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि काफी सारे लोग एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं दे पा रहे, कोई कुछ बता रहा है तो कोई कुछ बता रहा है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इसी वैकेंसी का पोस्टमार्टम करने वाले हैं कि क्या सच में MES के अंदर वेरियस पोस्ट के ऊपर 41,822 वैकेंसी आने वाली है तो वैकेंसीज कब तक आएंगी, ऑनलाइन फॉर्म कब स्टार्ट होंगे, एग्जाम कब कंडक्ट कराया जाएगा, पोस्ट वाइज एग्जैक्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके साथ डिस्कस करूंगा, एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा जाता है इन पोस्ट के लिए, एग्जैक्ट एग्जाम पैटर्न आपको प्रोवाइड करूंगा, इन पोस्ट की सैलरी क्या होती है, पोस्टिंग लोकेशन क्या होती है, बाकी की सारी इंफॉर्मेशन आपको देने वाला हूं। तो इस वीडियो में आपके इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग सभी डाउट एकदम डिटेल से क्लियर करने वाला हूं, आपको एकदम सटीक एकदम ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन देने वाला हूं, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। तो चलिए बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। और हां दोस्तों, अब करंट अफेयर ओवरडोज ईयरली मैगजीन हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में Amazon के ऊपर भी अवेलेबल हो चुकी है, मैगजीन के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्रोवाइड करा दिया, उनके थ्रू आप परचेज कर सकते हैं। जून 2022 से लेकर के जुलाई 2023 तक के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट एकदम सिलेक्टेड फिल्टर्ड करंट अफेयर्स हमने कवर किए हुए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, ये जो नोटिस सर्कुलेट हो रहा है ना, ये मैंने निकाल लिया, आप मेरे हाथ में देख सकते हैं, 4-5 पेजेस के नोटिस है, ये नोटिस 17 जुलाई 2023 को पब्लिश किया गया है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि MES है क्या। जितने भी लोग इस वैकेंसी की डिटेल्स दे रहे हैं उनमें से मोस्टली इसे आर्मी MES बोलते हैं, जबकि केवल आर्मी से इसका कोई भी लेना देना नहीं है। हालांकि वीडियो के टाइटल पर मैंने भी आर्मी MES ही लिखा है, मैंने इसलिए लिखा है ताकि आपको पता चले जो वैकेंसी इतनी वायरल हो रही है ये वीडियो उसी के रिगार्डिंग है, वीडियो के बाद में इसको हटा दूंगा। देखिए दोस्तों, MES का मतलब होता है मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है। ये एक काफी पुरानी और बड़ी गवर्नमेंट एजेंसी है, ये एक इंडिया की डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एजेंसी है, जो कि डिफेंस के लिए कंस्ट्रक्शन का काम करती है, जो कि इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड और DRDO के कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करती है, जैसे कि इनके लिए हॉस्पिटल्स बनाना, एयरफील्ड्स बनाना, बिल्डिंग्स, वर्कशॉप, रोड या फिर एयरफोर्स के लिए रनवे बनाना, हैंगर्स, डॉकयार्ड, एयरपोर्ट टर्मिनल, सोलर प्लांट्स बनाने का काम करती है। और दोस्तों इतना ही नहीं, MES को ही इंडियन नेशनल वॉर मेमोरियल बनाने का काम दिया गया है। तो MES केवल इंडियन आर्मी के लिए नहीं बल्कि इंडियन मिलिट्री के लिए काम करती है, जिसमें हमारा इंडियन एयरफोर्स, नेवी, आर्मी या फिर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड हो या फिर DRDO, इनके लिए काम करती है। क्लियर है, समझ गए MES होता क्या है। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस डिपार्टमेंट के अंदर जो 41,822 वैकेंसी का जिक्र चल रहा है उसके पीछे क्या राज है। नोटिफिकेशन मेरे हाथ में है, इस नोटिस के पेज नंबर 3 पर वैकेंसीज की डिटेल्स दे रखी है कि MES के अंदर 41,822 वैकेंसीज भरी जाएंगी, जिसमें हमारी टोटल 7 पोस्ट है। सबसे ज्यादा जो वैकेंसी है मेट ट्रेड्समैन की पोस्ट के ऊपर 27,920 वैकेंसी, दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा वैकेंसी MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट के ऊपर 11,316 वैकेंसी, तीसरे नंबर पर स्टोर कीपर की पोस्ट है 1,026 वैकेंसी, उसके बाद ड्राफ्ट मैन की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज हैं 944, उसके बाद सबसे ज्यादा वैकेंसी सुपरवाइजर की पोस्ट के ऊपर है 534, उसके बाद सबसे ज्यादा वैकेंसी बैरक एंड स्टोर ऑफिसर की पोस्ट के ऊपर है 120, उसके बाद हमारी आर्किटेक्ट कैडर ग्रुप ए की पोस्ट है 44 वैकेंसीज के ऊपर है। इस नोटिस के जारी होने के एक हफ्ते के अंदर इन सभी पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकाली जाएं, रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट किया जाए, नोटिफिकेशंस जारी किया जाए, यह कहा हुआ है इसी नोटिस के अंदर। और दोस्तों इस नोटिस को जो जारी किया गया है वो 17 जुलाई 2023 को जारी किया गया है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये जो वैकेंसीज है ना इन 7 पोस्ट के ऊपर ये 2022 वाली वैकेंसी है, मतलब ये वैकेंसी जुलाई 2022 में आनी थी, किसी कारण की वजह से वैकेंसी नहीं आई, इसीलिए एक साल बाद इसी नोटिस में एक और पेज ऐड करके इसको दोबारा जारी किया गया कि भाई पिछले साल वैकेंसी नहीं निकाली गई लेकिन इस बार इन वैकेंसीज को जल्दी भरा जाए। ठीक है, केवल एक पेज जोड़ा गया, बाकी सभी पेजेस पुराने हैं, ये पेज जोड़ा गया है और 17 जुलाई को इसको फिर से जारी किया गया है। तो कहने की बात यह है कि ये जो नोटिस सर्कुलेट हो रहा है ये कोई फेक नहीं है, रियली में MES के अंदर इन सभी पोस्ट के ऊपर इतनी सारी वैकेंसीज हैं और ये वैकेंसी जल्द ही आने वाली है। इन सभी पोस्ट के लिए डिटेल्ड ऑफिशियल नोटिफिकेशन कब जारी किया जाएगा, ऑनलाइन फॉर्म कब स्टार्ट हो सकते, एग्जाम कब तक कंडक्ट कराया जा सकता है, ये सारी डिटेल्स मैं आपको आगे दे ही रहा हूं, या फिर YouTube के ऊपर जो मैक्सिमम टीचर्स बता रहे हैं या फिर
इस नोटिस में जो कहा हुआ है कि नेक्स्ट वीक वैकेंसी आ जाएंगी, ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, क्या वो सही है? या फिर जो वैकेंसीज एसएससी यूपीएससी के थ्रू कंडक्ट कराई जाएगी, ये पॉइंट भी सही है? ये सारी डिटेल्स मैं आपको आगे दे रहा हूं। उससे पहले इन पोस्ट के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एग्जाम पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है स्टूडेंट्स को। अब देखिए दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, मैक्सिमम लोगों ने आपको इंफॉर्मेशन थोड़ी सी कंफ्यूज करने वाली दी होगी, लेकिन मैं आपको ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन दूंगा। देखिए दोस्तों, इसमें जो हमारी एमटीएस की पोस्ट है, मेट, स्टोर कीपर, ड्राफ्टमैन की, ये हमारी ग्रुप सी की पोस्ट है। सबसे पहले बात करते हैं पोस्ट वाइज एज लिमिट के बारे में। दोस्तों एमटीएस की पोस्ट के ऊपर जनरल वालों के लिए मिनिमम एज लिमिट होती है 18 ईयर और मैक्सिमम एज लिमिट होती है 25 ईयर। वहीं पर मेट की पोस्ट के ऊपर मिनिमम एज लिमिट 18 ईयर होती है, मैक्सिमम 27 ईयर होती है। ड्राफ्टमैन की पोस्ट के लिए एज लिमिट मिनिमम 18 ईयर होती है, मैक्सिमम 30 ईयर रखी जाएगी। स्टोर कीपर की पोस्ट के ऊपर भी मिनिमम एज लिमिट 18 ईयर होगी, मैक्सिमम एज लिमिट 27 ईयर इसमें रखी जाएगी। क्लियर है? एज आपकी कब से कब तक कैलकुलेट होगी, ये ऑफिशियल डिटेल नोटिफिकेशन आने पर ही पता चलेगा। ओबीसी एसटीएससी वालों को एज के अंदर रिलैक्सेशन मिलता है, ओबीसी वालों को इसमें 3 ईयर का मिलेगा, एसटीएससी वालों को इसमें 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। वहीं पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें, एमटीएस की पोस्ट के ऊपर मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th पास होता है। अगर आपने 10th पास किया हुआ है तो आप एमटीएस की पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हो। वहीं पर मेट की पोस्ट के लिए आपने 10th पास किया हो, साथ ही आईटीआई का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। क्लियर है? ये इंपॉर्टेंट है, काफी सारे लोग यहीं पर कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे थे। और जो स्टोर कीपर की पोस्ट है ना, इसके लिए मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन 12th पास होता है। अगर आपने 12th पास किया हुआ है तो आप स्टोर कीपर वाली पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हो। इसमें आपका टाइपिंग टेस्ट भी होता है, हिंदी या फिर इंग्लिश की आपको टाइपिंग आनी चाहिए, इंग्लिश की 35 वर्ड पर मिनट टाइपिंग की स्पीड होनी चाहिए, या फिर आप हिंदी में भी टाइपिंग कर सकते हो जहां पर 30 वर्ड पर मिनट आपकी टाइपिंग की स्पीड होनी चाहिए। ड्राफ्टमैन की जो पोस्ट है ना, इसके लिए आपके पास कोई 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए आर्किटेक्चरल असिस्टेंट में। क्लियर है? बाकी इसमें हायर लेवल की पोस्ट है, आर्किटेक्ट कैडर की या फिर बैरक स्टोर की हायर लेवल की पोस्ट है, सुपरवाइजर के लिए भी आपको डिप्लोमा वगैरह चाहिए होता है। ठीक है? बाकी जो पॉपुलर पोस्ट है 4 ही है, ड्राफ्टमैन, स्टोर कीपर, मल्टीटास्किंग स्टाफ और मैट की पोस्ट है। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। जो एमटीएस और स्टोर कीपर की पोस्ट है ना, इन दोनों पोस्ट का एग्जाम पैटर्न बिल्कुल सेम रहता है, बस एग्जाम के लेवल में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। ध्यान से सुनिए, एमटीएस और स्टोर कीपर के एग्जाम पैटर्न के बारे में बात कर रहा हूं फिलहाल। इन पोस्ट का एग्जाम टोटल 4 सेक्शंस के अंदर डिवाइडेड रहता है, मतलब 4 डिफरेंट सब्जेक्ट से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला सब्जेक्ट है हमारा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जिससे टोटल 25 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर दिए जाएंगे, यानी कि ये सेक्शन आपका 50 मार्क्स का हो जाता है। दूसरा सब्जेक्ट न्यूमेरिकल एबिलिटी या फिर न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के रहता है, 25 क्वेश्चन आते हैं 50 नंबर के अंदर। तीसरा सब्जेक्ट हमारा जनरल अवेयरनेस का, 25 क्वेश्चन 50 नंबर के अंदर। चौथा सेक्शन हमारा इसमें जनरल इंग्लिश का रहेगा, 25 क्वेश्चन 50 नंबर के अंदर। इसी के बेसिस पर एग्जाम में 100 क्वेश्चन 200 नंबर का आपका पेपर, 60 मिनट, जी हां 120 मिनट नहीं, 60 मिनट क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन रहेगी, 0.25 मार्क्स के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग रहेगी। काफी सारे लोग इस रिक्रूटमेंट के एग्जाम पैटर्न की जो डिटेल्स दे रहे हैं ना, 90% लोग रॉन्ग दे रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि ये वैकेंसी 2-3 साल बाद आ रही है, 2021 में वैकेंसी निकली थी 502 पोस्ट के ऊपर, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वैकेंसी हर साल निकलती है अलग अलग पोस्ट के ऊपर, एमईएस के अंदर हर साल वैकेंसी निकलती है, आपको दिखाने वाला हूं, और ये एग्जाम पैटर्न रहता है। बस काफी सारे लोग ध्यान नहीं देते कि एमईएस के अंदर भी वैकेंसी है डिपार्टमेंट के अंदर, बस फर्क इतना है कि इस बार वैकेंसीज बड़े लेवल पर है, इस बार वैकेंसीज थोड़ी ज्यादा है, हर बार वैकेंसी इंस्टॉलमेंट में छोटी छोटी निकलती है, कि एमटीएस की पोस्ट के ऊपर किसी ऑफिस के अंदर 100 वैकेंसी, किसी के अंदर 50, किसी के अंदर 60 ऐसे निकलती थी। ठीक है? मैं आपको बता रहा हूं। ठीक, तो ये आपका एग्जाम पैटर्न रहेगा। फिलहाल हमने 2 पोस्ट के एग्जाम पैटर्न को डिस्कस किया, स्टोर कीपर और साथ ही एमटीएस। ड्राफ्टमैन या फिर जो हायर लेवल की पोस्ट है उनका हमने डिस्कस नहीं किया, ठीक है, और वो हमें कंफर्म भी नहीं है, इसलिए हम करते भी नहीं। काफी सारे लोग एक स्पेसिफाइड सब्जेक्ट का जिक्र कर रहे हैं अपनी वीडियोस में कि 50 क्वेश्चन स्पेसिफाइड सब्जेक्ट। एमटीएस स्टोर कीपर के लिए कोई भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट नहीं रहेगा, केवल यही 4 सब्जेक्ट आएंगे, यही आपको प्रिपेयर करने हैं। और जो एसएससी एमटीएस का एग्जाम पैटर्न होता है ना, उसी एग्जाम पैटर्न को, उसी एग्जाम सिलेबस को फॉलो करिए, वही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बाकी चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एमटीएस की पोस्ट का सिलेक्शन प्रोसीजर एक
ही स्टेज के ऊपर टिका हुआ है, केवल आपका एग्जाम ही कंडक्ट कराया जाएगा और कोई स्टेज नहीं होगी। हाँ, स्टोर कीपर की पोस्ट के ऊपर पहले एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, उसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताई। अगर फिलहाल आपको टाइपिंग नहीं आती, फिर भी आप स्टोर कीपर वाली पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि टाइपिंग सीखने का टाइम मिल जाता है, पहले एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट मतलब टाइपिंग टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है। और बाकी एमटीएस स्टोर कीपर या मेट की पोस्ट के लिए कोई भी मिनिमम फिजिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं होता, कोई हाइट चेस्ट वेट नहीं मांगी जाती, कोई रनिंग लॉन्ग जंप हाई जंप नहीं होता इन पोस्ट के ऊपर, क्योंकि ये आर्मी की वैकेंसी नहीं है, ये एमईएस मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस की वैकेंसी है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर जरूर आता है, लेकिन इंडियन मिलिट्री के लिए काम करता है, ना कि केवल इंडियन आर्मी। अब दोस्तों बात करते हैं कि यार इन पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद सैलरी क्या रहेगी। एमटीएस की पोस्ट है, वही आपका ग्रेड पे 2000 या फिर 1900 होता है। इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद आपकी 34,000 के आसपास इनिशियल इन हैंड सैलरी रहेगी। स्टोर कीपर की आपकी सैलरी 37,000 से 38,000 के आसपास रहने वाली है। क्लियर है? अब दोस्तों ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करती, फटाफट बात कर लेते हैं कि वैकेंसी कब तक आ सकती है, वैकेंसीज को कौन कंडक्ट कराएगा। देखिए दोस्तों, इस नोटिस में क्लियरली लास्ट के पेज पर कहा हुआ है कि जो वैकेंसीज कंडक्ट कराने का जिम्मा है वो एसएससी और यूपीएससी का है, और डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने इस नोटिस को जारी किया है और क्लियरली कहा है कि इस नोटिस की कॉपी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को भेजा जाए, अलग अलग डिपार्टमेंट को भेजा जाए, साथ ही एसएससी और यूपीएससी को भी भेजा जाए, क्योंकि यही इन वैकेंसीज को पूरा कराएंगे। एमईएस के अंदर जितने भी पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आती है ना, वो यूपीएससी और एसएससी ही हर साल पूरा कराती है। जैसे कि हर साल आप देखोगे जो एसएससी जेई की वैकेंसी निकलती है ना, उसमें एमईएस डिपार्टमेंट भी होता है। एमईएस डिपार्टमेंट के अंदर जूनियर इंजीनियर की पोस्ट के ऊपर एसएससी जेई के थ्रू वैकेंसीज भरी जाती है, हर साल चेक कर लीजिएगा, इस बार भी जुलाई के लास्ट वीक में ये वैकेंसी आ रही है। क्लियर है? तो एक प्लस पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा, जितनी भी एमईएस के अंदर बड़ी पोस्ट के ऊपर वैकेंसी आती है उनको भरता है यूपीएससी। हर साल यूपीएससी के थ्रू एक रिक्रूटमेंट निकलती है आईईएस, यानी कि इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज, जो आर्किटेक्चर लेवल की पोस्ट है ना, वो इस वैकेंसी के थ्रू भरी जाती है। अब बात रही हमारी वाली पोस्ट की, जिसमें एमटीएस की पोस्ट है या फिर यूडीसी एलडीसी की भी पोस्ट होती है, सुपरवाइजर ड्राफ्टमैन की पोस्ट है, स्टोर कीपर की पोस्ट है, मेट की पोस्ट है, इन पोस्ट को भरता है हर साल एसएससी। जी हां दोस्तों, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट के नाम से जो वैकेंसी निकलती है ना हर साल, इस बार निकली थी एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 11 के नाम से, उनमें ये सभी पोस्ट हर साल होती हैं। जाके चेक करिए एमईएस डिपार्टमेंट के अलग अलग ऑफिस के अंदर, ठीक है, अलग अलग लोकेशन के अलग अलग ऑफिस के अंदर एमटीएस की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज होती हैं, एलडीसी की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज होती हैं, यूडीसी की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज होती है, सुपरवाइजर स्टोर कीपर की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज होती है। बस कोई लोग ध्यान नहीं देता, क्योंकि जो एसएससी सिलेक्शन पोस्ट की वैकेंसीज निकलती है ना, उसकी स्ट्रेंथ यही है, उसका प्लस पॉइंट ये है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट या फिर मिनिस्ट्रीज ऑफिस के डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफिस के अंदर वैकेंसीज को पूरा करता है। तो उनमें एमईएस के भी ऑफिस होती है, काफी सारी ब्रांचेज होती है, तो ये वैकेंसीज हर साल निकलती है छोटी छोटी पोस्ट के ऊपर। बस फर्क इतना है कि इस बार वैकेंसीज बढ़ी है, इसको अलग से निकाला जाने के पूरे पूरे चांसेस हैं, ठीक है? तो ये पूरा फंडा है। अब सबसे बड़ा जो कंफ्यूज करने वाला पॉइंट है वो इसके पेज नंबर 3 पर दिया हुआ है, जिसमें क्लियरली कहा हुआ है कि इस नोटिस के जारी होने के एक हफ्ते के अंदर इन पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकाली जाए, ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट कराए जाएं या फिर रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट किया जाए, इन पोस्ट के डिटेल नोटिफिकेशन जारी किए जाएं। अब जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं, ये नोटिफिकेशन है पुराना 2022 वाली वैकेंसी का, जुलाई 2022 का, इसको रिन्यू किया गया है अब 17 जुलाई 2023 को, केवल एक पेज जोड़ के, जिस पेज के ऊपर यह कहा हुआ है कि एक हफ्ते के अंदर इस वैकेंसी को निकाला जाए, उस पेज के ऊपर बड़ी बड़ी डेट डली हुई है 15 जुलाई 2022, यानी कि पिछले साल कहा गया था कि इस वैकेंसी को एक हफ्ते के अंदर निकाला जाए, तो इस बार कोई गारंटी नहीं है कि इस नोटिस के जारी होने के एक हफ्ते के अंदर इस वैकेंसी को निकाला जाए। यह पुरानी बात है, काफी सारे लोग ऊपर डेट नहीं देख रहे, पता नहीं क्या कर रहे हैं, मुझे नहीं पता किस बेसिस पर इंफॉर्मेशन देते हैं, लेकिन यह सही नहीं है कि एक हफ्ते के अंदर ही वैकेंसी आएगी। और एमईएस ने यह नोटिस इंटरनली जारी किया, डिपार्टमेंट के अंदर सर्कुलेट हो रहा था यह नोटिस जो कि बाहर आया, तो यह वैकेंसी आएंगे जरूर, और 2023 के अंदर आएंगी। अब ये आ जाए कभी, आने को अगले महीने आ जाए, आने को 2 महीने बाद आए, आने को दिसंबर 2023 तक आए, लेकिन आएंगी जरूर वैकेंसीज एमईएस के अंदर इन सभी पोस्ट के ऊपर, लेकिन ये हम नहीं कह सकते कि वैकेंसी अगले हफ्ते ही आएंगी,
ठीक है, ये डिटेल्स पुरानी है जो कि काफी सारे लोग आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। बाकी एग्जाम पैटर्न एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको एग्जैक्ट बताया है। तो हाँ, ये एक गुड न्यूज है कि एमईएस एक डिपार्टमेंट है जिसके अंदर बड़ी वैकेंसीज खाली हैं और ये वैकेंसीज जल्दी भरी जाएंगे, क्योंकि इस नोटिस में ये कहा हुआ है क्लियरली और नोटिस एकदम ऑथेंटिक है, रियल है, कोई भी फेक नोटिस ये सर्कुलेट नहीं हो रहा है। तो तैयारी अपनी जारी रखिए। एग्जाम पैटर्न सिलेबस बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं है, वही एसएससी वाला एग्जाम सिलेबस एग्जाम पैटर्न है, जो एसएससी सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम पैटर्न होता है ना, उसके बेसिस पर उसको टारगेट करके प्रिपरेशन करिए, अलग से तैयारी करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अगर आपका कंफ्यूजन दूर हुआ हो या फिर आपको मेरा काम पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।